शिव और शालीन में हुई बहस। शिव ने कहा तुम मंडली से रहो दूर। जी हाँ, बिग बॉस के घर में सारे सदस्यों से करण जौहर बात करते हुए नजर आए। वेल ऐसे में करण ने सारे सदस्यों के साथ एक गेम खेल दी। वेल आपको बता दें, इस गेम में करण जौहर ने बारी बारी से सारे सदस्यों को बुलाया और उनसे पूछा कई क्वेश्चंस। ऐसे में जब बारी आती है शालीन भनोट की, तो करण जौहर पूछते हैं शालीन भनोट से शिव ठाकरे के बारे में कि आखिर शालीन को शिव ठाकरे का कौन सा गुण पसंद नहीं है। वेल ऐसे में जवाब देते हुए शालीन भनोट तो कई गुण गिना देते हैं, लेकिन एक बात उनको सबसे ज्यादा खटकती है और वो है शिव ठाकरे का बुली करना। जी हाँ, करण जौहर के पूछे जाने के बाद शालीन भनोट कहते हुए नजर आए कि शिव ठाकरे कई बार सुम्बुल और निमृत को बुली भी कर देते हैं, जबकि सुम्बुल और निमृत उन बातों को मजाक में टाल देती है। वेल ऐसे में वो गेम खत्म होने के बाद जब शालीन पहुंचता है शिव ठाकरे के पास बात करने के लिए, तो शिव ठाकरे जवाब देते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम्हें मैं लगता हूं कि बुली कर रहा हूं तो तुम मुझसे कहो, ना कि मेरे पीठ पीछे। और यही कहते हुए शालीन भनोट जब समझाने की कोशिश करते हैं तो शिव ठाकरे कहते हैं मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम मंडली से दूर रहो तो ही अच्छा होगा। वेल ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शिव ठाकरे सभी को बुली करते हैं? तो हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।